नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। चलिए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। देश की राजधानी दिल्ली में आज टीएमसी नेताओं ने चुनाव आयोग के मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। टीएमसी ने ईडी, सीबीआई, एनआईए और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टरों को बदलने की मांग की, जहां पार्टी ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। अमेरिका में भारतीय छात्रों की मौत का सिलसिला लगातार जारी। इसी क्रम में पिछले महीने से लापता 25 साल का एक भारतीय छात्र अमेरिका शहर क्लीवलैंड में मृत पाया गया। आपको बता दें कि भारतीय छात्र की मौत का एक ही सप्ताह के अंदर ये दूसरा मामला पाया गया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जरूरी कार्रवाई कर रही है, जहां चुनाव आयोग ने आज गृह मंत्रालय को पश्चिम बंगाल में केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बलों CAPF की 100 और कंपनियों तैनात करने का निर्देश दिया है। जेल से रिहा होने के बाद राज्यसभा सदस्य एवं आपके वरिष्ठ नेता संजय सिंह पंजाब में लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए सक्रिय हो गए हैं। वहीं अब संजय सिंह चंडीगढ़ में प्रदेश के विधायकों एवं विभिन्न बोर्डों और कॉरपोरेशन के साथ चेयरमैनों के साथ बैठक करेंगे। भारत राष्ट्रीय समिति BRS ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई है और आरोप लगाया है कि उन्होंने चुनाव नियमों का उल्लंघन किया है। चुनाव आयोग को सौंपे गए BRS पत्र के अनुसार राहुल गांधी ने अपनी हालिया यात्रा के दौरान चुनाव नियमों का उल्लंघन किया है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले से एक सड़क हादसा सामने आया है, जहां पर मैक्स वाहन के खाई में गिरने से 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, साथ ही 2 अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं SDRF के द्वारा राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में भाजपा के छोटे नेता से लेकर वरिष्ठ नेता सभी मैदान में उतर चुके हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह आज असम का दौरा करेंगे, जहां वो रोड शो करने और एक सार्वजनिक रैली को भी संबोधित करेंगे। देश भर में आज से चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो गया है। इस दौरान माता के मंदिरों में विशेष तैयारियां की गई हैं और भक्त माता के दर्शन करने के लिए सुबह से ही भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर में भी नवरात्रों के लिए विभिन्न तैयारियां की गई हैं। IPL 2024 का 23वां मैच आज सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग के बीच खेला जाएगा। दोनों के बीच ये मुकाबला मुल्लापुर चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होगा। कई इलाकों में बादलों की आवाजाही लगी रहेगी, लेकिन तेज धूप के कारण गर्मी का कहर जारी है। वहीं अधिकतम तापमान 45 के पार हुआ। तो फटाफट खबरों में आज के लिए इतना ही। बने रहें द लीडर हिंदी के साथ। नमस्कार।